अलैकुम, कैसे हो बहन भाई? आप ठीक होंगे? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। मैं भी खैरियत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे स्कूल गए तो कहते हैं मम्मा आने से पहले खाना बना लिया करो, तो मैं कहती हूँ कि आने से पहले मैं आ गया थोड़ी बना कर उनके आने से पहले सब्ज़ी बना लूँ, बना कर पका लूँ। तो ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो उनके आने से पहले पहले बन जाए तो पका लूँ। आप बना ली हैं मैंने तोरियां, आप बना लेती हूँ। थूम छील कर रख लेती हूँ, फिर बनाऊँगी प्याज, फिर बच्चों के आने से पहले पहले मैंने तैयारी करनी है खाने की, खाना बन जाए बस उनके आने से पहले। देसी थूम में बहुत मैंने ये तोरियां बना ली हैं और ये गंडे भी और लहसुन भी तो मिर्चें भी थोड़ी थी वो भी मैंने बना ली हैं। अब पकाने की तैयारी करती हूँ, पका लेती हूँ बच्चों के आने से पहले 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 इसे अच्छे से धोएंगे, फिर इसको पकाते हैं। पानी को अच्छे से धो लें, ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना आ जाए। मसाला हमारा आज थोड़ा सा है, यही से काम चलाते हैं। हमारी सब्जी है, हमें बीज डाल ली है, सब्जी अच्छे से रखेंगे। बर्तन हमारा बहुत कम छोटा है, आटा गूंध लूँ खाना सब्जी बनने के तो। आटा छान लेते हैं अच्छे से, छानने के बाद इसको
निकालेंगे थोड़ा सा बाहर सूखे के लिए। पानी डालती हूँ फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है, नाले गूंद लेती हूँ अच्छे से। मैंने आटा गूंद लिया है, आप इसके ऊपर दे देते हो ना, इसको डांट के रख देती हूँ। फिर इसे सालन को देख लेते हैं कि हमारा सालन कैसा बन रहा है कैसा नहीं, तो अभी तक तो काफ़ी कच्चा है, इसको पकने की ज़रूरत है अभी। वो तेज़ होगी तो बनेगा। खा लेते हैं लट्टियाँ। सालन तैयार हो गया लगता है, देखते हैं। हाँ अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे उतार कर हम बनाएंगे रोटियाँ। ऐसे इसको नीचे उतारते हैं, आलू पर रखते हैं तवा, रोटियाँ बनाइए जल्दी जल्दी। अब आग का कमाल होगा, आग जल्दी बनेगी तो फिर बाबा हाँ रोटियाँ बनाने लग गए। सालन हमारा तैयार हो गया था चू, तो तवा भी गर्म हो गया, अब हम रोटियाँ बना लेते हैं, अच्छे से पेड़ा करते हैं फिर बनाएंगे रोटी। इस तरह से कुछ बहनों को खाना बनाना रोटी बनानी है इस तरह नहीं आती, मैं अपने हाथों से आटा गूंथ कर आप अपने हाथों से बना लेती हूँ। तो बेलन में बनाती हैं कुछ हाथों से, ये हमारी बन गई है। और मशीन वाला मिले कि नहीं, मशीन वाला मिले कि नहीं, कल मतलब चलो। और तो बाकी रोटियां हमारी बन गई हैं, तो अब हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते देखते। तो हम बच्चे तो आ गए थे स्कूल से, तो उनको खाना खुना खिला दिया हमने, तो वीडियो को करते हैं एंड। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दुआ में याद रखें, कल की वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।